तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि SMD रिवर्क स्टेशन 850 को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसकी सेटिंग करते हैं, ताकि हमारे जो मोबाइल रिपेयरिंग करनी है उसकी जो PCB है वो डैमेज ना हो, कंपोनेंट भी डैमेज ना हो, तो उसे किस तरह से करते हैं। तो ये इसका क्या रहता है, ब्लोअर, ये पाइप दिख रहा है, इस पाइप में से एयर ब्लो होती है, यहाँ से बाहर निकलती है। इसके बाद हमारा यहाँ पर रहता है एलिमेंट जो हीट को बाहर निकालता है, हीट यहाँ पे होती है, एयर यहाँ से आती है और जब प्रेशर से निकलती है तो हीट बाहर निकलती है। तो उससे हम क्या करते हैं, PCB पे हीट करते हैं IC निकालने के लिए, कंपोनेंट जो भी कंपोनेंट हमें निकालना रहता है तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। बट इसकी सेटिंग हम यहाँ पे किस प्रकार से, यहाँ पे ऑन ऑफ वाली बटन दी गई है, तो हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं। और ये देखो यहाँ पे दो रेगुलेटर लगे हैं, एक है एयर के लिए और एक है हीटर के लिए, मतलब हवा निकलेगी और यहाँ से हीट निकलेगी। तो अब यहाँ पे इसकी रीडिंग भी दी गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब हमको PCB से कोई भी कंपोनेंट निकालना है तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, या हमें IC निकालनी है, डिस्प्ले निकालनी है, क्या निकालना है, उसके हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग नए नए सीखे हैं, नए नए काम करते हैं मशीन पे, तो आप क्या करिएगा कि इसकी जो पॉइंट है वो 4 पे सेट करिएगा एयर का, और जो हीटिंग है वो भी 4 पे सेट करिएगा। इसके बाद इसको उठा के इस तरीके से हम कोई भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं या लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी सेटिंग क्या होती है, अगर ये ब्लोअर 5 पे है एयर का तो हीटिंग भी 5 पे होनी चाहिए, 5वें वाले पे पॉइंट पे होना चाहिए। अगर ये 6 पे है तो ये 6 पे होना चाहिए, अगर ये 7 पे है तो 7 पे होना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन अगर इनका अलग अलग हो गया, अगर ये 4 पे है ठीक, और ये अगर यहाँ पे ये 7 पे है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे SMD जो मशीन है वो खराब होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि एयर कम निकलेगी और यहाँ से हीटिंग ज्यादा होगी, उतनी हीटिंग बाहर नहीं निकल पाएगी तो एलिमेंट हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी गया सेट है उसमें क्या, तो उसमें आप एयर को ज्यादा रख सकते हो, हीट को कम रख सकते हो, तो पानी गया सेट है, वाटर डैमेज जो सेट है, तो इस तरीके से इसकी सेटिंग करती है। तो फिर से इसको देख लो, अगर ये 1 पे है तो 1 पे, 2 पे करना है तो 2 पे ये भी पॉइंट आना चाहिए, 4 पे आया कंपोनेंट निकालना है, ये आपके हिसाब से है। अगर आप नए हैं तो आप कंपेयर रखिएगा इसको, रेगुलेटर 3 पे है, 3 पे रखिए, 4 पे, 5 पे, जितना है ना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना उतना आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर ज्यादा हीट कर दोगे तो PCB जल जाएगी, और ज्यादा एयर कर दोगे तो कंपोनेंट हमारा निकल के उड़ जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हीट भी नॉर्मल रहे और एयर भी नॉर्मल रहेगी, तब हम इसके कंपोनेंट सही से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो फिर को हीट और एयर कम रखिएगा, धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आप धीरे धीरे एयर और हीट को बढ़ाते जाइएगा। ओके।